इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि मोसाद ने अब एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे एक बड़े मुस्लिम देश को जबरदस्त झटका लगा है। आरोप लग रहा है कि मोसाद ने तुर्की में घुसकर वहां की कई खुफिया रिपोर्ट्स, संवेदनशील डाटा और ड्रोन टेक्नोलॉजी को चुरा लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले तुर्की ने एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ किया। तुर्की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि इस गिरोह ने देश के कई डिफेंस सीक्रेट्स को चुराया है। संवेदनशील डाटा और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन लोगों ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री, नौसेना से जुड़े खुफिया दस्तावेज चुराए और उन्हें इसराइल पहुंचा दिया। तुर्की के एक समाचार पत्र ने दावा किया है कि इस जासूसी गिरोह का संचालन मोसाद कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दावा किया गया है कि इन पकड़े गए 5 लोगों में से एक का नाम एमरे दुरमाज है, जो कि कथित तौर पर इजरायली रक्षा कंपनियों, इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्री और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक ये सब आरोप ही हैं। ये खबर ऐसे समय आई है जब तुर्की और इजरायल के बीच दूरियां कम हो रही हैं। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की सरकार ने लगभग खत्म हो चुके इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों को अचानक बहाल करने की घोषणा की थी। तुर्की ने 2020 में इजरायल के लिए अपना दूतावास नियुक्त किया। आपको याद दिला दें कि 2018 में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इजरायल की हिंसक कार्रवाइयों के विरोध में तुर्की ने अपना राजदूत तेल अबीब से वापस बुला लिया था। ये प्रदर्शन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी दूतावास को तेल अबीब से यरूशलम भेजने के फैसले के खिलाफ हो रहे थे। अब तुर्की मीडिया की तरफ से जो खबर सामने आई है वो दोनों देशों के बीच फिर से एक गहरी खाई बना सकती है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कारनामे दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। ऐसा ही वाक्या नवंबर 2020 में हुआ जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दरअसल उस समय ईरान ने आरोप लगाया कि उसके मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरी जादे की दिन दहाड़े हत्या इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कराई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फकरी जादे की हत्या के लिए रिमोट कंट्रोल मशीन गन का इस्तेमाल किया गया जिसे करीब 1400 किलोमीटर दूर से मोसाद ऑपरेट कर रहा था। हालांकि इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि 1400 किलोमीटर दूर से किसी व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है। बहरहाल इस पूरे हमले के दौरान कुल 15 गोलियां चली और 60 सेकंड से भी कम समय में इसे अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि इस हमले में फकरी जादे के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बताया गया है कि इस ऑपरेशन का एक एक हिस्सा हैरतअंगेज कारनामों से भरा हुआ था। इसके अलावा साल 2018 में मोसाद ने ईरान में घुसकर बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम दिया था। करीब 6.5 घंटे के इस ऑपरेशन में 2 दर्जन जासूस शामिल थे। इस मिशन में इन जासूसों को तेहरान में बने एक वेयरहाउस से ईरान के न्यूक्लियर मिशन की राजवाली फाइलें चुरानी थी। वेयरहाउस के अलार्म सिस्टम से छेड़छाड़ करके मोसाद के जासूस वहां घुस गए। वेयरहाउस को खुफिया रखने के लिए रात के वक्त गार्ड्स तैनात नहीं किए जाते थे। इसी का फायदा मोसाद ने उठाया। स्पेशल टॉर्च के जरिए तिजोरियों में सेल लगाई गई और वो अपने साथ करीब 50,000 पेज और 163 सीडी लेकर निकल गए। मोसाद यही नहीं रुका, उसने फिर साल 2021 की शुरुआत में ईरान के बेहद महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र नतांज में रहस्यमय तरीके से हमला कर दिया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इस विस्फोट से अत्यंत सुरक्षा घेरे में रहने वाले परमाणु संयंत्र का आंतरिक पावर सिस्टम तबाह हो गया और ईरान का परमाणु कार्यक्रम करीब 9 महीने के लिए पीछे चला गया। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.